पाकिस्तान में उसमें से यदि 15 करोड़ किसी दल विशेष को मत दे देते हैं तो वो अपनी सरकार बना लेता है। अर्थात ये बात ये हुई कि जहाँ पे 80-20 का फॉर्मूला होना चाहिए था वहाँ फॉर्मूला अनेक देशों ने किया, अरे अनेक देशों ने किया और सजा का ये नहीं कि सजा के रूप में आप फांसी देते, सजा के रूप में आप जुर्माने देते, नहीं आप सजा मत दीजिए, आप ये मत करिए कि आपको फांसी देते हैं। बिहार से 8 लाख युवा ऐसे जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, दिल्ली में 18 से 24 साल केवल 20% मतदाता युवाओं के नाम मतदाता सूची में है और हम नारा लगाते हैं युवा मतदाता भागी मतदाता युवा मतदाता भागी। आज देश के युवाओं को ये नहीं मालूम दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, और हम तो कोशिश करते हैं कि हमारा युवा विवेकानंद बने। कैसे बने? आपने बात की महोदय कानून, कानून ही वो एक प्रक्रिया है जिससे आप लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर सकते हैं। और जब बार बार आप ये कहते हैं कि 70%, 30%, 20%, आपने बात की कि संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन, आज से पहले भी 122 बार संशोधन हो चुका है, 51 नए विधेयक जोड़े जा चुके हैं, क्यों नहीं होना चाहिए? जब संविधान बना तब किसी को ये नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान में दलों की दलदल हो जाएगी, हिंदुस्तान में ये कहीं 2500 दल ऐसे हो जाएगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग अपनी परमिशन देता है जो नैतिक रूप से है। आज जरूरत इसलिए है महोदय क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बनी। आपने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक अधिकारों का हनन आप संविधान में संशोधन करिए। संविधान में संविधान संशोधन करने की व्यवस्था ही इसलिए दी गई थी कि हम आगे जाकर विषयों के अनुरूप बदलते जाए अपने आप को। अगर ये बात होती कि संविधान संशोधन नहीं करता है तो फिर ये बात वहाँ पे जोड़ी ही क्यों जाती कि आप दो तिहाई बहुमत राज्यसभा और लोकसभा से लेकर के संविधान संशोधित किया जा सकता है, यदि प्रावधान है किया जा सकता है करना चाहिए। आपने GST अपना लिया, आप एक नागरिकता की ओर बढ़ गए, आप आज देखते हैं NRC लागू करना है, आप सब कुछ करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं करना चाहते? आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है जब भी सरकार कोई कड़ा कदम उठाना चाहती है विपक्षी दल उसको ढूंढ लेते हैं, अनैतिक है, लोकतांत्रिक है, अमानवीय है, मतदाता को अनिवार्य है कि मतदान करे, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हिंदुस्तान में मतदान अनिवार्य होना चाहिए। धन्यवाद।